राहुल पर मोदी का निशाना, कहा कुछ लोगों की उम्र तो बढ़ती है समझ नहीं। नाम लिए बिना मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को नई योजनाएं समझ में नहीं आती हैं, मेक इन इंडिया का मजाक उड़ा रहे हैं। पीएम ने कहा कुछ लोग पढ़कर भी आते हैं और मनोरंजन भी कर जाते हैं। कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। आरएसएस चीफ ने कहा अब लोगों को भारत माता की जय बोलना सिखाना पड़ता है। मोहन भागवत ने जब ये बातें कही तो जेएनयू का नाम नहीं लिया, लेकिन वो ये जोर देकर कहते रहे कि भारत माता की जय बोलना सिखाना पड़ता है और ऐसा नहीं बोलने वालों की तादाद ज्यादा है। एसआईटी के एक्स अफसर का दावा, इशरत का एनकाउंटर नहीं सोच समझ कर मर्डर हुआ था। सतीश वर्मा ने कहा जांच में पता लगा है कि इशरत और उसके साथियों को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कथित एनकाउंटर के कई दिनों पहले ही उठा लिया था। गैर कानूनी तरीके से सबको कस्टडी में रखा गया और बाद में मार दिया गया। डिफॉल्टर विजय माल्या को अरेस्ट करने की मांग। 7,000 करोड़ का लोन नहीं चुकाने पर SBI ने माल्या के खिलाफ डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का रुख किया है। बैंक ने उनकी गिरफ्तारी और पासपोर्ट जब्त करने की मांग की है। नॉर्थ कोरिया ने जापान को टारगेट कर टेस्ट की 6 मिसाइलें। नॉर्थ कोरिया ने ईस्टर्न कोस्ट पर 6 शॉर्ट रेंज मिसाइलों का टेस्ट किया। इससे कुछ ही घंटे पहले UN सिक्योरिटी काउंसिल ने नॉर्थ कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाए थे। अब नजर डालते हैं शेयर मार्केट पर। इवनिंग बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए दैनिक भास्कर.com।